हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। इससे पहले हमने पढ़ा है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में कैसे होता है। अब अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट हो रहा है किसका, वाटर का और नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स का, प्लांट्स के सारे पार्ट्स में, जो कि बहुत ज़रूरी है उस प्लांट के सर्वाइवल के लिए। आप समझ रहे हैं, अगर एक प्लांट है तो उसको वाटर चाहिए, उस न्यूट्रिएंट चाहिए, उसके सारे जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में हर ऑर्गन को क्या चाहिए थे, न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहते हैं, ऐसे किसको चाहिए, प्लांट को भी चाहिए। तो इस जो प्रोसेस होती है कि आपकी बॉडी में सब जगह पे क्या पहुंच जाए न्यूट्रिएंट्स, उसको भी ट्रांसपोर्टेशन कह रहे थे हम। तो ऐसे ही यहाँ भी क्या कहेंगे, प्लांट्स में भी जो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, वाटर जो है हर पार्ट्स तक पहुंच रहा है, प्लांट्स के सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहे हैं उसके सर्वाइवल के लिए, उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट फॉर इट्स सर्वाइवल। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। ट्री ट्रांसपोर्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर इट नीड्स फॉर सर्वाइवल फ्रॉम इट्स रूट्स टू द टिप्स ऑफ द लीव्स। ट्री क्या है, ट्रांसपोर्ट करता है जितने भी न्यूट्रिएंट्स है या वाटर जो है, ठीक है, उसके सर्वाइवल के लिए जो चाहिए रहते हैं, वो कहाँ सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं, रूट से लेके लीव्स की टिप्स तक, ठीक है। इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स द बिगेस्ट कॉन्स्टेंट इज वाटर एंड इट्स एंड अप बींग अ लिमिटिंग फैक्टर इन ग्रोथ। ओके, मेन जो इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट्स की अगर हम बात करें तो वाटर है। प्लांट की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है वाटर पे। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ट्रीज एंड अदर प्लांट्स हैव अ परफेक्ट सिस्टम फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इनमें प्रॉपर सिस्टम होता है, परफेक्ट सिस्टम होता है, जिससे जो वाटर है वो एब्जॉर्ब किया जाता है और उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है, एंड द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। प्लांट्स क्या होते हैं, इसके अंदर वास्ट नेटवर्क होता है कंडक्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। दिस इज मोर लाइक द सर्कुलेटरी सिस्टम। प्लांट्स में क्या, किसकी बात करेंगे हम, जाइलम और फ्लोएम की बात करेंगे, जो हेल्प करती है ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। ये किसकी तरह है, सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह काम करेगा यहाँ पे, जिसमें ब्लड ट्रांसफर हो रहा था पूरे बॉडी पार्ट्स में। सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, जाइलम और फ्लोएम जो टिश्यू हैं वो क्या करते हैं, एक्सटेंड थ्रू आउट द प्लांट। ये क्या करते हैं, सारे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वाटर को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। दिस कंडक्टिंग टिश्यूज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रूट्स एंड मूव अप थ्रू द ट्रंक्स ऑफ द ट्रीज। ये जो टिश्यू है वो स्टार्ट होते हैं कहाँ से, रूट्स से, और ट्रीज के ट्रंक्स तक मूव करते हैं। लेटर दे ब्रांच ऑफ इन टू द ब्रांचेज एंड देन ब्रांचिंग इवन फर्दर इन टू एवरी लीफ लाइक स्पाइडर वेब्स। ओके, अगर हम बात करें तो अगर ब्रांचेस होगी तो वहां तक भी जाएगा लीफ, हर जगह ये क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ट्रांसपोर्टेशन अक्यूर्स इन द थ्री लेवल इन केस ऑफ प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो थ्री लेवल में होता है प्लांट में। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन सेल टू अनदर, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ सैप विद फ्लोएम एंड जाइलम, द रिलीज एंड द अपटेक ऑफ सॉल्यूट एंड द वाटर बाय इंडिविजुअल्स है। यहाँ पे वो जो आप देख रहे हैं थ्री लेवल पे हो रहा है। एक तो होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंस का एक सेल से दूसरी सेल में, एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है किसके थ्रू, फ्लोएम और जाइलम के थ्रू। अब फिर रिलीज और अपटेक करना वाटर और सॉल्यूट को हर सेल के थ्रू होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वाटर एब्जॉर्ब इन प्लांट्स, द वाटर इज एब्जॉर्ब इन टू वेज बाय द प्लांट्स। अब जो वाटर है जो प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है दो तरीकों से, एक होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन और एक होता है पेसिव एब्जॉर्प्शन। अगर हम बात करें एक्टिव एब्जॉर्प्शन की, तो इस केस में क्या हो रहा है, इन द केस ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन वाटर मूव्स थ्रू साइम्प्लास्ट एंड इट इज एब्जॉर्ब अकॉर्डिंग टू द डिफ्यूजन प्रेशर डिफ्यूज चेंजेस। द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज स्लो, इट कंप्राइजेस ऑस्मोटिक एंड नॉन ऑस्मोटिक फोर्सेस। ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर कैन हैव एन इम्पैक्ट। द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज मेनली जनरेटेड इन द रूट सेल इटसेल्फ। देयर वुड बी डिक्रीज इन द रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इफ द मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स आर अप्लाइड। ओके, अगर हम बात कर रहे हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन की, तो वाटर जो है वो मूव कर रहा है सिंप्लास्ट से
एंड वो एब्जॉर्ब हो रहा है किसके अकॉर्डिंग, डिफ्यूजन प्रेशर। ठीक है, जो रेट होता है एब्जॉर्प्शन का वो क्या होगा, द रेट ऑफ एब्जॉर्ब स्लो होगा, और इट कंप्रेस में क्या होगा, ऑस्मोटिक नॉन ऑस्मेटिक फोर्स होंगे, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का इफेक्ट होगा इसके ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होगी यहाँ पे। अगर हम बात करें वहीं की पेशियों, तो पेशियों में क्या होता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है, ये रैपिडली होता है, जो मूवमेंट होता है प्लांट का वो एबोप्लास्ट होता है एंड इज एब्जॉर्ब होता है ट्रांसमिशन पुल, और ये क्रिएट होता है एंड इट इज क्रिएटेड ड्यू टू स्ट्रेस क्रिएटेड बाय जाइलम सेल। ठीक है, तो मेन आपको याद रखना है कि इसमें एब्जॉर्प्शन फास्ट हो रहा है, उसमें स्लो हो रहा है। अब ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है प्लांट्स के अंदर, तो आप देखेंगे द वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स बाय द टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज। किसके थ्रू होता है वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन, दो टिश्यूज की हेल्प से होता है, एक जाइलम और एक फ्लोएम है। जाइलम इज अ लॉन्ग नॉन लिविंग ट्यूब रनिंग फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स थ्रू द स्टीम। ये दो टिश्यू हैं जिनके थ्रू वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट्स में। अगर हम बात करें जाइलम की, तो ये लॉन्ग नॉन लिविंग ट्यूब है। क्या है, एक लॉन्ग नॉन लिविंग ट्यूब है जो रन करती है रूट से टू द लीव्स थ्रू द स्टीम, लीव्स तक जाती है किसके थ्रू, स्टीम के थ्रू। द वाटर इज एब्जॉर्ब, वाटर कहाँ कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, रूट बाय रूट हेयर, एंड अंडरगो सेल टू सेल मूवमेंट बाय ऑस्मोसिस अंटिल इट रीचेस द जाइलम। और रूट बाय, यहाँ पे जो सेल बाय सेल मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, जो वाटर कौन एब्जॉर्ब कर रहा था, रूट जो है वो एब्जॉर्ब कर रही थी रूट हेयर्स के थ्रू। दिस वाटर इज देन ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम वेसल्स टू द लीव्स। अब ये जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम वेसल्स के थ्रू, कहाँ तक जाता है, लीव्स। फिर क्या होता है, एवोपरेट होता है किसके थ्रू, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्लियर है, ये कैसी एक लॉन्ग नॉन लिविंग ट्यूब है जो रूट से स्टार्ट होती है और लीव्स तक जाती है स्टीम की हेल्प से। वाटर जो है एब्जॉर्ब हो रहा है रूट हेयर के थ्रू, और सेल बाय सेल मूवमेंट के थ्रू वो पहुंचता है कहाँ तक, जाइलम तक, ऑस्मोसिस है ना, मूवमेंट बाय मूवमेंट अंटिल इट रीचेस द जाइलम। ये वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द जाइलम वेसल्स टू द लीव्स तक पहुंचता है, और एवोपरेट होता है अगेन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर। जाइलम इज आल्सो कम्पोज ऑफ, इसमें क्या है, एलोंगेटेड सेल्स हैं लाइक फ्लोएम। एक स्पेशल अकाउंटेबल होता है ये काहे के लिए, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को टू ऑल प्लांट पार्ट्स फ्रॉम द रूट्स। ये सारे प्लांट के जो भी पार्ट है उस तक क्या पहुंचाने का काम करता है, वाटर। सिंस दे सर्व सच एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन, अ सिंगल ट्री वुड हैव अ लॉट ऑफ, एक सिंगल ट्री में बहुत सारे क्या होते हैं, जाइलम टिश्यू होते हैं। अगर हम वही फ्लोएम की बात करें, तो इसे वो क्या काम करता है, इसका ये जाइलम का क्या काम था, यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है। फ्लोएम का आप काम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है, क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जो क्या है प्रोड्यूस हो रही है बाय द लीव्स टू द एरियाज ऑफ प्लांट दैट आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। कौन प्रोड्यूस कर रहा है इनको, प्रोड्यूस हो रही है बाय द लीव्स टू द एरियाज ऑफ प्लांट दैट आर, जो उन एरियाज में जो मेटाबॉलिकली क्या है एक्टिव है। ये कैसे बना होता है, लिविंग सेल का, और जाइलम कैसा था, नॉन लिविंग था। जो सेल वॉल्स होती हैं सेल की, वो उसमें क्या होते हैं, स्मॉल होल होते हैं एट द एंड्स ऑफ द सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीव प्लेट्स बोलते हैं। ओके, तो क्लियर स्टूडेंट्स, इसके आगे देखेंगे हम नेक्स्ट।